नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपनी हाजमा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, और इसी के लिए आज मैं आपको तीन फॉर्मूले बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीन फॉर्मूले मैंने भैषज्य रत्नावली से लिए हैं। भैषज्य रत्नावली जो कि आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, इस पे मैंने इस पर ध्यान दिया है कि आपको सरल से सरल नुस्खे बता सकूं। क्योंकि हमें तुम्हें पता है कि अगर मैं कठिन नुस्खे बता दूं जो कि बनाने में बहुत कठिन है और उसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी, तो ऐसी चीजें व्यक्ति घर पर नहीं बना सकते। तो इसी के लिए आज मैं आपको ऐसे तीन नुस्खे बताऊंगा जो कि बनाने में सरल हो और उसको बनाने के लिए कम इंग्रेडिएंट की जरूरत हो। इसमें सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले नुस्खे पर। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको तीन इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। पहला है हरड़ जो कि काली हरड़ होती है, दूसरा है सौंठ यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, और तीसरा है सेंधा नमक। और मुझे लगता है कि सेंधा नमक और सौंठ ये दोनों घर पर वैसे ही पड़े रहते हैं। अब बात करें हरड़ की, तो आपको पंसारी वाले के पास बहुत आसानी से, या आजकल तो क्या होता है कि किराने वाले भी हरड़ रखते हैं, तो आपको आसानी से हरड़ उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको तीनों का सम भाग चूर्ण लेना है, यानी कि सौंठ, हरड़ और अंत में सेंधा नमक। इन तीनों का बराबर पाउडर लें, एक शीशी में रख लें। अब इन तीनों का चूर्ण जब भी आपको लगे कि आपको खाना खाने के बाद गैस बन रही है, पेट में गड़बड़ हो रही है, तब इस चूर्ण का सेवन आपको आधी चम्मच की मात्रा में करना है गुनगुने पानी के साथ। अब अगर आपको इसी स्थिति में सुबह सुबह लगने लगे कि आपका पेट खराब हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि इसको ले शीतल जल के साथ, यानी कि मटके के पानी के साथ। अब अगर मान लो कि अगर आपको भयंकर इनडाइजेशन है, या मान लो कि अगर आपने किसी ऐसी स्थिति में कोई ऐसे आहार का सेवन कर लिया हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और उस आहार का सेवन करने के बाद आपको पाचन से जुड़ी समस्या होती है, तो इसके लिए एक और चीज कही गई है। इसमें आपको करना है सेंधा नमक, दूसरा है हरड़, तीसरा है पिपली जो कि आपके घर पे ही पड़ी होगी, और चौथा है चित्रक की जड़। चित्रक आपको वही पंसारी वाले के पास मिल जाएगी। ये क्या होती है कि ये नॉर्मल चीजें होती है, ये पंसारी वाले के पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इन्हें चारों को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर इसका चूर्ण बना लें। मात्रा की बात करें तो आधा चम्मच है, क्योंकि इसमें चित्रक मिलाई गई है। आधा चम्मच आपको खाना खाने के बाद लेना है। इसके बारे में तो ऐसा कहा गया है कि दुर्जर से दुर्जर आहार, यानी कि ऐसे आहार जो कि पचने में बहुत ही ज्यादा भारी हो, तो ऐसे आहार भी इस चूर्ण का सेवन करने से भली भांति पच जाते हैं। अब अगर मान लो कि ये सब चीजें भी आप नहीं कर सकते, तो एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल नुस्खा है कि उसमें आपको जरूरत होगी एक अदरक और सेंधा नमक की, यानी कि एक इंची की मात्रा में अदरक का टुकड़ा लें, और उसमें आपको मात्रा अनुसार डालना है सेंधा नमक। इन दोनों को आपको चबाकर खाना है। इससे क्या होता है कि आपकी जीभ की जो ऊपर जो परत है, जो आपकी जीवा के ऊपर जो परत है, वह साफ होगी, आपका गला शुद्ध होगा। इस फॉर्मूले के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह हमारे हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इससे भी अच्छा जो कि एक बोनस टिप्स है मेरी तरफ से, और वो बोनस टिप्स है कि अगर आप खाना चबा चबा के ही खाते हैं, मेरे हिसाब से एक रोटी को खाने के लिए 5 मिनट का समय दें। अब अगर आप खाने को सिर्फ चबा के ही खाते हैं, तो विश्वास माने कि आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खाने को पचाने के लिए जो एंजाइम्स हैं, वो आपके मुंह में ही बन रहे हैं। मुंह में यानी कि जो आपकी लार है, जितनी ज्यादा लार आपके खाने में रहेगी, उतनी अच्छी तरीके से आपका खाना पचेगा। क्योंकि ये सब फॉर्मूले क्या होते हैं कि ये कुछ समय के लिए चल जाएंगे, यानी कि मान लो कि अगर आपने कोई ऐसी वैसी चीज खा ली है, या अगर आपको पाचन से जुड़ी कुछ समय के लिए समस्या होती है, तब ये चीजें चल जाती हैं। लेकिन एट द एंड, अंत में आपको खाना चबाकर ही खाना होगा, आपको अपनी आदतें ठीक करनी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।